जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष आकृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है राहु देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट देती है। और प्रिय दर्शकों, हमारी कोशिश ये है कि आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाए। राहु देवता एक भाव में पड़े होने से वो अच्छा फल देने में भी सक्षम हो सकते हैं, और राहु देवता उसी भाव में पड़ा होने पर अगर शत्रु राशि में हो तो नेगेटिव फल देने में भी बाध्य हो सकते हैं। और मैंने ये मेष लग्न की कुंडली नहीं लगाई है प्रिय दर्शकों, मैंने ये एक दो चार नंबर सारे इसलिए लिखे हैं ताकि आपको हाउसेज की रिप्रेजेंटेशन का पता लग जाए कि कौन सा हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा हाउस किस नंबर में आता है या कौन से हाउस कौन सा नंबर में बनता है। तो कल तक हमने बात की थी राहु देवता के नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर नवम भाव में। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं। राहु देवता प्रिय दर्शकों अगर दशम भाव में विराजमान हो, इसे ये मत समझ के चलिएगा कि ये शनिदेव की राशि में बैठे हैं। मैंने ये भाव की रिप्रेजेंटेशन की वजह से यहाँ 10 नंबर लिखा है, ये 10वां भाव है। अगर राहु देवता 10वें भाव में पड़े हों और वो कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर यानी अपनी मित्र राशि अपनी उच्च राशि में ऐसी अवस्था में पड़े हों जहाँ वो शुभ फलकारी होने में सक्षम हों और शुभ फल देने में बाध्य हों, ऐसी अवस्था में जब भी राहु देवता की दशा अंतरदशा चलेगी तो ऐसी अवस्था में राहु देवता सबसे पहले दशम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कामकाज में वृद्धि, कामकाज में इम्प्रूवमेंट, तरक्की होना, प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट मिलना, कामकाज में राइजिंग होना, कामकाज की एडिशन होना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियां राहुदेव अगर योग कारक होकर दशम भाव में बैठे होंगे तो जातक के लिए अवश्य क्रिएट करेंगे। राहु देवता की यहाँ से पंचम दृष्टि जो दूसरे भाव पर पड़ी तो धन के लिए भी अच्छा, परिवार के लिए भी अच्छा। हाँ, जातक की वाणी थोड़ी सी रोबदार ज़रूर होगी क्योंकि कहीं ना कहीं राहु देवता में एक क्रूरता का तत्व तो ज़रूर है। ये राहु देवता पापित्व और क्रूर ग्रहों में आते हैं तो वाणी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन धन का आगमन और परिवार साथ देने वाला राहु की दशांतर दशा में जातक के लिए अवश्य होता है। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि माता के लिए अच्छी, गाड़ी के लिए, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में ये राहु देवता मददगार सिद्ध होंगे क्योंकि योग कारक ग्रह बनकर दशम भाव में बैठे हैं तो दशम भाव संबंधी तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ही, चौथे भाव पर जितनी दृष्टि डालेंगे उसके संबंधी भी वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। जातक की सुख सुविधाओं में वृद्धि करते मिलेंगे, माता से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, माता की बात मानने वाला होगा, सुनने वाला होगा, माता के लिए उसके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड होगी, ऐसी सारी स्थितियाँ राहुदेव की दशांतर दशा में अवश्य ही क्रिएट करते मिलेंगे। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली योग कारक होकर के, छठे भाव पर डाली हुई दृष्टि, छठा भाव आप सभी जानते हैं रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन हाउस ऑफ कंपटीशन का माना जाता है, इन सब चीज़ों में विजयी दिलवाने में राहु देवता का बहुत बड़ा मेजर रोल होगा। राहु देवता योग कारक ग्रह होकर दशम भाव से नौवीं दृष्टि जो छठे भाव पर डालेंगे तो छठे भाव संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट दिलवाने में जातक को बाध्य होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसका एक दूसरा पहलू है जो साथ में मैं आपको समझाता चला आया हूँ काफ़ी लंबे समय से। अगर राहु देवता मारक ग्रह बनकर यानी अपनी शत्रु राशि नीच राशियों में बैठे होंगे तो वो इस भाव को खराब करने के लिए बाध्य हो जाए। तो जब भी वो राहु देवता मारक बनकर दशम भाव में आएंगे तो वो दशम भाव को नुकसान करेंगे। दशम भाव में कामकाज का नुकसान, जॉब में इंक्रीमेंट ना मिलना, प्रमोशन ना होना, हायर रैंकिंग पे ना जा पाना, कामकाज में एडिशन ना होना, चलता चलता काम रुक जाना,
लेबर में प्रॉब्लम आना, सर्कल में प्रॉब्लम आना, मशीनरी में प्रॉब्लम आना, इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम आना, ऐसी सारी चीज़ें होंगी जिससे कामकाज रुकने तक की और बंद होने की कगार पर भी आ जाता है। यहाँ से मारक देवता राहु ने दृष्टि डाली दूसरे भाव पर। मारक राहु जब दृष्टि डालेंगे दूसरे भाव पर तो दूसरे भाव संबंधी भी नुकसान देते मिलेंगे। दूसरा भाव में परिवार साथ देने वाला नहीं होगा, धन का होता होता आगमन रुक जाएगा और साथ साथ में जातक ऐसी वाणी बोलेगा जो सामने सुनने वाला कदापि पसंद नहीं करता। यहाँ से मारक राहु देवता ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, माता से मनमुटाव, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग, माता से प्रॉब्लम, माता को प्रॉब्लम, गाड़ी भूमि वाहन मकान अगर जातक का लेने वाला हुआ तो सदैव उनको राहु की दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। चौथे भाव संबंधी सुखों को अर्जित करने में राहु देवता की मारक दृष्टि सदैव ऑब्स्टेकल्स देती मिलेगी, कोई भी चीज़ जल्दी खरीदने नहीं देगी। अगर कई बार ऐसा देखा गया है खरीद कर घर आती है तो घर में क्लेश पड़ जाता है। गाड़ी लेकर के आए हैं, गाड़ी के रंग को लेकर के ही घर में क्लेश पड़ गया है, मनमुटाव हो गया, ऐसी स्थितियाँ भी देखी गई हैं। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली मारक ग्रह बनकर, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट के इस लिटिगेशन में फंसा करके जातक की मुश्किलों को कई गुना बढ़ाते मिलेंगे। छठे भाव पर डाली हुई मारक राहु की दृष्टि कंपटीशन में जातक को जल्दी कभी क्लियर करने नहीं देती और जॉब में भी ऑब्स्टेकल्स देती ही रहती है, तो जातक की प्रॉब्लम्स कई गुना बढ़ जाती। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना, अगर योग कारक ग्रह होकर दशम भाव में बैठे होंगे तो दशम भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव और छठा भाव पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर मारक ग्रह बनकर दशम भाव में बैठे होंगे तो दशम भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, छठे भाव संबंधी अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। दर्शकों यही राहु देवता कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए, तो 11वें भाव में अगर प्रिय दर्शकों राहुदेव पड़े होंगे और कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर बैठे होंगे तो बड़े भाई बहन की सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन होता रहेगा और साथ में छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो वो चली ज़रूर जाएंगी और जातक की इच्छा पूर्ति करने में वो सदैव सहायता करते मिलेंगे। यहाँ से राहु देवता ने योग कारक ग्रह होकर पांचवी दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन की भी सपोर्ट मिलेगी, जो छोटी मोटी यात्राएँ होंगी वो भी लाभान्वित करने वाली होंगी। जातक मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, भागदौड़ करने वाला होगा और उसके पूर्ण रिजल्ट भी उस जातक को अपने जीवन यापन में अवश्य मिलेंगे। राहु की दशा अंतरदशम, यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि भी पॉजिटिव रिजल्ट देगी, संतान सुख से परिपूर्ण करेगी, संतान सुख के साथ साथ लव रोमांस में कामयाबी, पेट में जल्दी प्रॉब्लम ना आना, अनसर्टेन गेन्स होना, संतान से पूर्ण जातक को सुख मिलना लॉन्ग रन में और जातक हमेशा पंचम भाव के संबंधी भी पूरे पॉजिटिव रिजल्ट ही अपने जीवन यापन में गेन करता है। यहाँ से योग कारक ग्रह होकर राहु देवता ने जितनी दृष्टि सातवें भाव पर डाली, सातवें भाव पर डाली हुई दृष्टि राहु देवता की दाम्पत्य सुख के लिए अच्छी, डेली वेजेस के लिए अच्छी और पार्टनरशिप के लिए भी सदैव अच्छी ही मानी जाती है। लेकिन प्रिय दर्शकों इसके बिल्कुल विपरीत अगर राहु देवता मारक ग्रह बनकर 11वें भाव में विराजमान होंगे तो इसके रिजल्ट बिल्कुल इसके विपरीत होंगे। बड़े भाई बहन से क्लेश होगा, इच्छा पूर्ति जल्दी नहीं होगी, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, धन का आगमन रुक जाएगा, आपके लाभ में यानी बहुत बड़ी कमी आएगी। यहाँ से मारक राहु देवता ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, तीसरे भाव पर दृष्टि डालने से मारक राहु छोटे भाई बहन से भी कलह क्लेश मचवा देंगे, छोटे भाई बहन के कलेश के साथ साथ छोटी मोटी यात्राएं करवाएंगे, जातक से हार्डवर्क करवाएंगे, भागदौड़ करवाएंगे और वो भी उसके फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली नहीं होगी। यहाँ से मारक राहु देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, संतान देरी से होना, लव रोमांस में नाकामयाबी होना, अनसर्टेन लॉस होना, माइंड मेमोरी विल पावर के लिए अच्छा ना होना, जातक कई बार डिप्रेशन की स्टेज में भी चला जाता है। यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि सातवें भाव पर डाली तो पार्टनरशिप के लिए भी नुकसान, डेली वेजेस के लिए भी नुकसान और दाम्पत्य सुख में भी नित्य नवा क्लेश खड़े करते ही मिलेंगे। अब प्रिय दर्शकों मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना,
अगर राहु देवता अपनी किसी मित्र राशि में, उच्च की राशि में, ग्यारहवें भाव में पड़े होंगे तो ग्यारहवें भाव संबंधी अच्छा, तीसरे भाव संबंधी अच्छा, पंचम भाव संबंधी अच्छा और सप्तम भाव संबंधी भी अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर राहुदेव मारक बन के पड़े होंगे तो ग्यारहवें भाव संबंधी भी बुरा, तीसरे भाव संबंधी, पंचम और सप्तम भाव संबंधी भी बुरा रिजल्ट ही अपनी दशा अंतरदशा में आपको अवश्य देंगे। दर्शकों, यही राहु देवता कुंडली के बारहवें भाव में विराजमान हों। यहाँ प्रिय दर्शकों, राहु देवता सदैव खराब रिजल्ट ही देते मिलेंगे, क्योंकि यहाँ वो किसी कंडीशन में नहीं आते हैं। जब भी राहु देवता की दशा अंतरदशा चल पड़ी, वो अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होंगे। वो हमेशा जातक का व्यय बढ़ा देंगे, विदेश यात्रा करवाएंगे तो वहाँ भी जातक को खपाएंगे अवश्य, अस्पताल के खर्चे होंगे, जेल यात्रा तक हो सकती है, फजूल की भागदौड़ होगी, हर काम के लिए खपना पड़ेगा, जॉब में सेटलमेंट जल्दी नहीं हो पाएगी। ऐसे सारे नेगेटिव रिजल्ट बारहवें भाव संबंधी राहु देवता देते ही मिलेंगे अपनी दशा अंतरदशा में, चाहे वो मित्र के घर में हो, फिर चाहे वो शत्रु के घर में हो, वो बारहवें भाव संबंधी सारे खराब रिजल्ट आपको देते मिलेंगे। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, माता को कष्ट, माता से कष्ट, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम, जातक का गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो वो भी प्रॉब्लम्स देते ही मिलते हैं। यहाँ पर जातक के सुखों में कमी लाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर जातक का गाड़ी, भूमि, वाहन लेने वाला हुआ तो जल्दी कभी राहु की दशा अंतरदशा में वो नहीं बन पाता, वो जातक को खपाते ही मिलते हैं। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सारी प्रॉब्लम्स में फंसा करके जातक का जीवन यापन दूभर करते ही मिलेंगे। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि आठवें भाव पर डाली, आठवें भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक के लिए मृत्यु तुल्य कष्टों को आमंत्रण देने के बराबर होगी। हर काम में ऑब्स्टेकल, हर काम में टेंशन, हर काम में रुकावट, हर काम में भागना, खर्च होना, तब भी काम ना बनना, 99 पौड़ी चढ़ करके भी वो जातक वापस आ जाता है, उसका काम सिरे नहीं चढ़ पाता। ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियां जातक के लिए अवश्य क्रिएट होती ही रहती। इन सब स्थितियों के साथ बावजूद प्रिय दर्शकों, एक बात आपको पहले से भी मैंने याद करवाई थी, दोबारा स्मरण करवा दूँ, कभी भी गलती से राहु देवता का रत्न गोमेद धारण करने की भूल मत कीजिएगा किसी भी कीमत पर। चाहे आपके राहु देवता कुंडली में उच्च के अच्छे भाव में ही क्यों न विराजमान हो, उसका सबसे मुख्य कारण ये होता है कि ये चोरी, ठगी, डकैती, लूटपाट, ड्रग एडिक्शन, जो भी समाज में इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके कारक ग्रह माने जाते हैं, वो भी सारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाती हैं। और उससे भी एक मुख्य कारण ये है कि राहु देवता बीमारियों का कारक ग्रह माना जाता है। राहु देवता का रत्न पहनने का मतलब होता है बीमारियों को आमंत्रण देना। जब तक आपकी बॉडी में अच्छी दशा चलती है तब तक ठीक रहता है, जिस दिन जरा सी खराब दशा अंतरदशा आ गई उस दिन राहु देवता का पहना हुआ रत्न आपको टांग देता है और आपकी बॉडी में अनडायग्नोज्ड डिजीज डिवेल्प होना शुरू हो जाता है, जिसको डॉक्टर जल्दी समझ ही नहीं पाता कि ये बॉडी में क्या हो रहा। तो कृपया इस बात को सदैव स्मरण रखें कि गलती से भी राहु देवता का रत्न गोमेद या केतु देवता का रत्न कैटसाई पहनने की भूल मत कीजिएगा, वो हमारे समाज में रहने वाले एक आम प्राणी को नहीं पहनाया जाता। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपका किसी भी कारणवश ये एपिसोड देखने से रह जाए तो आप YouTube पर जाकर डेली हमारा एपिसोड वॉच कर सकते हैं और देखकर अपने ज्ञान का चक्षु खोल के लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.